जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो तैयार बैठी है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। उस मुझे लगता है कि मैं पिछले 12-15 दिनों से लगातार अलग अलग जिलों में जा रही हूँ, चाहे डोडा जम्मू की बात करूँ, रामबन की बात करूँ, वहाँ के अलग अलग जिलों में गई हूँ और कल से कश्मीर के प्रवास पे हूँ। कश्मीर में मेरा 4 दिन का प्रवास है, अलग अलग जिलों में बैठना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, क्योंकि एज ए मीडिया इंचार्ज मैं पूरे जम्मू कश्मीर को देख रही हूँ, तो इस नाते से आज मैं गांधरबल में आई हूँ। कल श्रीनगर में मेरी बैठक हुई है। मीडिया की टीम के साथ मिलना, मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, और आने वाले दिनों में चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, उसके लिए हम लोगों की कैसी रणनीति रहेगी, वो सारा कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकल मीडिया के साथ मिलना, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके साथ बात करना और उनसे फीडबैक लेना कि हमारी पार्टी, क्योंकि मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मीडिया का अहम रोल रहे। मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी, मीडिया की अहम भूमिका रहेगी सरकार बनाने में, इसके लिए यहाँ पर चर्चा थी गांधी। देखिए, जर्नलिस्ट भी सेटिस्फाइड हैं मोदी जी के काम से, चाहे वो गोल्डन कार्ड की बात करूँ, चाहे किसानों की स्कीम्स की बात करूँ, मुझे लगता है कि हर तबका सेटिस्फाइड है। हाँ, कुछ शिकायतें हो सकती हैं कि कुछ जर्नलिस्टों को कुछ इश्यूज थे, वो उन्होंने डिस्कस किए, बिल्कुल मैं अपने संगठन के जो आला कमान है हमारे उनसे बात करूंगी, उनके इश्यूज के ऊपर क्या सोल्यूशन होगा वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, मगर मेन फोकस जो है इस टाइम हमारा पार्लियामेंट चुनाव है और आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कमल का फूल हमारा निशान है, जो भी कैंडिडेट होगा उसको हमने वोट करना है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो तैयार बैठी है कि आने वाले दिनों में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, कैंडिडेट कोई भी होगा वोट भाजपा को जाएगा। अभी ये डिसीजन सेंट्रल लेवल का रहेगा। बींग ए स्पोक्स पर्सन, बींग ए मीडिया इंचार्ज, मेरा काम है संगठन को मजबूत करना, मीडिया की टीम को मजबूत करना, उस नाते से मैं काम कर रही हूँ। आगे क्या रणनीति रहेगी वो पार्टी देखेगी, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखेगी।